मेरा नाम डिम्पल अरोड़ा है और नमस्कार सर, और हम मैं EBNW स्टोरी जो सक्षम संचार फाउंडेशन का पोर्टल है उसकी तरफ से आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला सवाल ये है सर कि आपकी नज़र में राजनीति की परिभाषा क्या है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एक व्यवस्था है और कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के मुताबिक, संविधान के मुताबिक जो चुन करके जनप्रतिनिधि आते हैं वो जनप्रतिनिधि सरकार का हिस्सा होते हैं, सरकार बनती है उनसे, और कार्यपालिका, न्यायपालिका और लोक जो लोकतंत्र है हमारा, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे सबसे मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम लोग देश को चलाते हैं, देश आगे बढ़ता है। तो राजनीति के माध्यम से जो पॉलिटिशियन हैं, जो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, वो आते हैं, जनता के लिए कानून बनाते हैं और जो संविधान के मुताबिक देश को कैसे आगे बढ़े, जनता के समस्याओं का कैसे समाधान हो, उनको आगे बढ़ने में किस प्रकार से मदद मिले, इन सब चीज़ों पर वो लोगों का काम करते हैं। जी सर। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप एक फार्मा फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आज आप एक किसान के घर से पॉलिटिकल इतने बड़े नेता बन गए हैं, तो क्या आप रूलर यूथ को भी प्रमोट करेंगे कि उनको भी पॉलिटिक्स में, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? राजनीति बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी बात है, और राजनीति के माध्यम से जनप्रतिनिधि बनकर के ही तो आप देश की सेवा कर सकते हो, संविधान की रक्षा कर सकते हो, जो समय के अनुसार जो कानून होते हैं उनमें आप तब्दीली कर सकते हो, कानून नए बना सकते हो, लोगों की क्या समस्याएं हैं उनको समाधान कैसे दे, कैसे लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके सम्मान व्यवस्थाएं जो उनको भी मिले, कैसे बच्चों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिले, पीने का पानी मिले, उनको चिकित्सा, शिक्षा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, ये सब चीज़ें कैसे हों, तो वो सरकार के माध्यम से होते हैं और सरकार में जनप्रतिनिधि जो है होता है वो ही उसको रन करता है, और जो कार्यपालिका होती है वो उसको, जो जनप्रतिनिधि कानून बनाते हैं, जो व्यवस्थाएं नीतियां बनाते हैं उसको वो लागू करते हैं, जिससे देश के जो लोगों को सुविधाएँ मिलती। जी, मैं समझता हूँ कि इसलिए बहुत ज़रूरी है कि युवा आएँ, पढ़े लिखे आएँ, शिक्षित आएँ और महिलाएं बहुत आगे आएँ, क्योंकि हमने बहुत पहले से डिमांड कर रखी है भाई महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। कुछ भी कहिए, दुर्भाग्य कहिए कि हम दिला नहीं पाए थे, अभी भी मोदी जी ने पिछले इस लोकसभा में कानून लेकर के आए, हमने पूरा समर्थन हमारी पार्टी ने किया, बट वो उन्होंने उसको आगे छोड़ दिया कि कब लागू होगा पता नहीं, पहले जनगणना होगी, डिलिमिटेशन होगा, फिर होगा। तो मैं समझता हूँ कि उनकी मंशा ठीक नहीं थी, बाकी हमारा ऐसा मानना है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, युवा ज़्यादा से ज़्यादा आए, शिक्षित लोग आए, तभी एक अच्छा जो भारत है वो विकसित राष्ट्र बन सके। जी सर, बिल्कुल। सर मेरा एक और सवाल ये था कि आपकी नज़र में भारत की क्या परिभाषा है? भारत हम सब एक देश जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और जिसमें सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग, एक संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक कानून है उस कानून के मुताबिक हम लोग चलते हैं। इस भारत का प्रत्येक नागरिक सबको जो है वो सम्मान अधिकार मिले, इस बात की व्यवस्था हमारे संविधान में की है, तो उसको हम मानने वाले लोग हैं। तो ये जो भारत है वो एक ऐसा देश है जो सब लोगों को साथ लेकर के जो धर्म निरपेक्षता के आधार पे जो है वो अपने आप को एक खूबसूरती लिए हुए है। तो इंडिया पे हमें प्राउड है कि भारत जो है वो हम सबका सम्मान करना सिखाता है और संविधान के मुताबिक सबको चलना सिखाता है। जी सर। सर आज की यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? यूथ के लिए यही मैसेज है कि
हम सब लोग भारत के नागरिक प्रत्येक जो भी अपनी अपनी जगह जहाँ जहाँ भी जो काम कर रहे हैं वो बड़ी ईमानदारी के साथ में करें, सबको साथ लेकर के करें, सबके सम्मान के साथ में आगे करें, जिससे ये इंडिया हमारा जो देश है वो विश्व में नंबर वन बने और हम सब तरक्की करें, पूरे देश में अमन चैन रहे, खुशहाली रहे, और इसके लिए हम एक दूसरे का सबका बराबर सम्मान करते हुए संविधान के मुताबिक हम लोग काम करें। जी सर। सर, यूथ के लिए आने वाले टाइम में कौन सी आपके हिसाब से ऐसे प्रोफेशन है या ऑक्यूपेशन है जिसमें जाके उनका ग्रोथ हो सकता है? देखिए, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के साथ में अगर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और रोजगारोन्मुखी अगर एजुकेशन हम लोग देंगे तो वो प्रगति करेंगे, देश में विदेश में जहाँ भी जाएंगे वो अपने आप को सब जगह आगे पाएंगे। तो मैं तो युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन लीजिए और आगे बढ़िए, सबको एक दूसरे के साथ दीजिए और सबका सम्मान। ओके, थैंक यू।